सवाईमाधोपुर में शुक्रवार को कॉलेज छात्रों ने छात्र क्रांति के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया और कोटा यूनिवर्सिटी निदेशक के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने बताया है कि सवाईमाधोपुर में स्थित पीजी एवं अन्य निजी कॉलेजों में कॉलेज फीस वैकेट के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली की जा रही है। निजी कोटा यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कॉलेजों द्वारा छात्रों से अनुपस्थिति एवं विकास शुल्क के नाम पर हजारों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। किन मांगों को लेकर ज्ञापन देने आओ? हमारी मांगे हैं, हम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, राधा कृष्ण टीटी कॉलेज, अमीर कॉलेज, सरस्वती कॉलेज, ठाकुर मदन सिंह कॉलेज, सभी के विद्यार्थी इसमें एक एक दो दो मौजूद है। और हमारी कोटा यूनिवर्सिटी से ये मांगे हैं कि कॉलेज कोटा यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त यहाँ पर जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें कई प्रकार के विद्यार्थियों को समस्या है, जैसे किट के नाम पर ढाई ढाई तीन तीन हज़ार से लेकर पाँच पाँच हज़ार रुपये तक वसूले जा रहे हैं। उसके बाद अनुपस्थिति के नाम पर ऐसा कोई शुल्क नहीं होता जो दस से पंद्रह हज़ार, बीस हज़ार, तीस हज़ार, चालीस हज़ार तक बच्चों से वसूला जाता है। और उसके बाद विकास शुल्क के नाम पर छात्रों से जब फीस ली जाती है सत्ताईस हज़ार रुपये, तो उसके बाद एक्स्ट्रा 500 रुपये लिए जाते हैं जिनका रसीद में कोई जिक्र नहीं होता और 500 रुपये वसूला जाता है। ऐसी कई मांगे हैं।